रेवाड़ी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि करीब 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दरअसल यह हादसा रेवाड़ी जिले के रामगढ़ गांव के समीप स्थित नहर के पास हुआ, जहां लखीमपुर खीरी के रहने वाले कुछ मजदूर बाजरे की फसल काटने के लिए आए थे। जब वे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे, तो नहर के समीप अचानक ट्राली पलट गई, एक गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार एक युवक की मौत हो गई, बाकी सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। राकेश, कैसे हादसा हो गए? ये ट्राली में आ रहे थे बाजरा काटे वापस, तो ट्राली गड्ढे में गिर गई, पलट गई, उसके सीने पर दाब लग गई तो ज्यादा वही बेहोश हो गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? अशोक। मर गया? अभी डेड हो गया? अब ये मुझे तो पता नहीं जी। अब कितने लोग थे ट्राली में? वो खत्म हो चुका होगा। 17 लोग थे सर। वो आपका भाई था? हमारा भाई था। छोटा बड़ा? छोटा। कितने साल का था? 20 साल का। 20-22 साल का। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर खीरी। पवन कुमार। कौन, कैसे, कहाँ, क्या हुआ? यहाँ हासा गांव में थे। हाँ, बालियर। बालियर में रहते थे महिपाल के पास। और बाजरा काटने आए थे दूसरे, यहाँ फदेड़ी जरा है आदमी, और ट्राली ले आ रहा था और ट्राली गड्ढे में चली गई। गड्ढे से ने फिर पलट गई। पलट गई। हाँ। कितने लोग थे? 17। अब इसमें क्या कैजुअल्टी हुई अभी? 3 घंटे। कैसी पलटी ट्राली? कितने लोगों को लगी है? चोट तो सारे लोगों में लगी है, लेकिन 3 जो है ज्यादा चोट लगी है। एक तेरा पैर टूट गया है, एक तेरे कूल्हे में दर्द है और एक तेरे सीने में चोट लगी। कोई मरा भी है इसमें? अभी पता नहीं, डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं।